गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास टू चैप्टर टू द फोर्थ डॉल, यानी एक चौथी गुड़िया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी ओल्ड। एक बार की बात है, एक राजा था जो कि बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। ही वॉन्टेड द प्रिंस टू बी हिज सक्सेसर आफ्टर हिम। वह चाहता था कि राजकुमार उसके बाद उसकी जगह राजा की जगह को वह संभाले। One day the king called upon the prince in his place. एक दिन राजा ने राजकुमार को अपने महल में बुलाया। The old king presented the prince with a set of three dolls. पुराने राजा ने राजकुमार को तीन गुड़िया का एक सेट जो होता है उसे दिखाया। The prince was not amused. जो प्रिंस था वह उसे ये कुछ अच्छा नहीं लगा। I agree that you are giving me dolls, he asked. राजकुमार ने अपने पिता राजा से कहा, क्या मैं एक लड़की हूँ जो आप मुझे ये डॉल्स दे रहे हैं? This is a gift for the future king. राजा ने कहा कि यह एक जो फ्यूचर में जो राजा बनेंगे उसके लिए यह गिफ्ट है। If you look carefully, you will see a hole in the ear of each doll. राजा ने कहा, अगर तुम ध्यान से इसे देखोगे तो हर एक गुड़िया के कानों में क्या है, एक होल है। होल यानी छेद। So ask the prince. तो प्रिंस ने पूछा। The king handed him a piece of string. राजा ने एक तार का टुकड़ा उसे राजकुमार को दिया। Pass it through each doll, the king said. King ने कहा, राजा ने कहा कि हर एक गुड़िया के कान से इसे बाहर निकालो, अंदर उसे डालो और दूसरे कान से बाहर उसे निकालो। Intrigued, the prince picked up the first doll and put the string into its ear. It came out through the other card. जैसे ही राजकुमार ने अपनी पहली गुड़िया उठाई और उसके कान में एक तार को डाला और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। This is the first type of person, said the king. राजा ने कहा, यह व्यक्ति का एक पहला प्रकार है। Whatever you tell him comes out through his other ear. आप जो भी इससे बताओगे यह दूसरे कान के माध्यम से बाहर आएगा। He doesn't retain anything. वह जो है वो कुछ भी अपने कानों में नहीं रखता है। Now do the same thing with the second doll. Now फिर अभी वो क्या करते हैं, फिर राजकुमार जो है वो फिर सेकंड डॉल के साथ में भी फिर वही ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। The prince put the string into the second doll ears. वो जो राजकुमार थे तो उन्होंने सेकंड डॉल्स के कानों में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रिंग को डाला। इट्स कम आउट थ्रू इट्स माउथ। और वो मुँह से बाहर आ गया, वो जो तार था वो मुँह की ओर से बाहर आ गया था। This is the second type of person, said the king. यह राजा ने कहा, ये एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है। Whatever you tell him, he tells it is someone else. आप इसे जो भी बताओगे यह किसी और को बताएगा। ये सेकेंड रोल का प्रोसेस है। नेक्स्ट, द प्रिंस पिक्ड अप द थर्ड डॉल एंड रिपीटेड द सेम प्रोसेस। फिर प्रिंस ने थर्ड डॉल को पिक किया और फिर इसके साथ में भी सेम प्रोसेस किया, उसके भी कानों में उस स्ट्रिंग को डाला। द स्ट्रिंग डिड नॉट रिपीयर फ्रॉम एनी वेयर। वो जो स्ट्रिंग था वो फिर से ऐसे ही रिपीट किया गया। इसके बाद है, फिर दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन एंड वट एवर यू टेल हिम इज लॉक्ड अप विथ हिम। यह एक थर्ड व्यक्ति के प्रकार को बताता है कि इसे जो भी चीज़ें बताते हैं वह अपने मुंह में अपने अंदर उसे लॉक कर लेता है। इट्स नेवर कम्स आउट, सेड द किंग। वह कभी भी बाहर नहीं आता है, ये राजा ने कहा। विच इज द बेस्ट टाइप अ पर्सन, आस्क द प्रिंस। प्रिंस ने पूछा कि तो फिर किस तरह का जो व्यक्ति है वो सबसे अच्छा होता है। द किंग हैंडेड हिम अ फोर्थ डॉल। किंग ने फोर्थ डॉल को थमाया। इन आंसर, व्हेन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द डॉल्स ईयर, इट्स केम आउट थ्रू द अदर ईयर। और फिर जैसे ही प्रिंस ने फोर्थ डॉल के साथ में भी उसके कानों में उस स्ट्रिंग को डाला तो वो फिर दूसरे कानों से वो बाहर आ गया था। डू इट अगेन, सेड द किंग। राजा ने फिर से कहा कि इसके साथ फिर से रिपीट करो। द प्रिंस नाउ अगेन डिड सो, दिस टाइम द स्ट्रिंग्स केम आउट थ्रू द माउथ। फिर जब दोबारा प्रिंस ने डॉल्स के ईयर में डाला उस स्ट्रिंग को तो वो इस बार उसके माउथ से वो बाहर आ गया। व्हेन ही पुट द स्ट्रिंग थर्ड टाइम, इट डिड नॉट कम
कम आउट एट ऑल. फिर जब थर्ड टाइम फिर से इसे किया गया तो वो बाहर नहीं आया. दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, सेड द किंग. राजा ने कहा कि यह एक सबसे अच्छा व्यक्ति का प्रकार है. टू बी ट्रस्ट वर्थी अ मेन मस्ट नो वेन नॉट टू लिसन, वेन टू रिमेन साइलेंट एंड वेन टू स्पीक. राजा ने कहा कि एक राजा बनने के लिए सबसे अच्छी बातें क्या होनी चाहिए, योग्य उसकी होनी चाहिए. उसको एक आदमी को पता होना चाहिए कि उसे कब सुनना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है. ठीक है, तो हमारा स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो आगे की क्लासेस में हम क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे.